हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रियंका, और प्रियंका मेरा व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हमारी हो गई है जाने की तैयारी, और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था 8:30 के लगभग, मतलब 9 o'clock के लगभग टाइम हो रहा था। और अभी हम आए हैं स्टेशन पे, जो कि है चौथ के बरवाड़ा का स्टेशन, और यहाँ से हम लेंगे ट्रेन, फिर ट्रेन से हम जाएंगे सवाई माधोपुर, और फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है। और वैसे तो गाइज माधोपुर भी डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन फिर यहीं से कि चलो यहीं से ट्रेन है तो फिर यहीं से चले जाएंगे, तो इसीलिए। और अभी आप देख सकते हो, वैसे यहाँ इस स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं रहती है, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 2 प्लेटफॉर्म है इस पे। फर्स्ट वाला तो है जो उधर वाला है, और सेकंड वाले पे हम खड़े हैं। हमारी गाड़ी जो आएगी वो सेकंड नंबर पे ही आएगी, और ये अयान और अयान के पापा खड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो चले जाएंगे, देखते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। और गाइस, ब्लॉग के ज़रिए मैं भी देखती रहूँगी, कुछ यादें हैं जो ब्लॉग के ज़रिए रह भी जाती है और सेव भी हो जाती है, और यही है कि घर की बहुत याद आएगी जाने के बाद, क्योंकि इस बार ना काफ़ी ज़्यादा दिन हम रुक गए थे, और वीडियो वगैरह इसीलिए ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब टाइम का थोड़ा सा रहता है, और कि फिर सब बैठे रहते हैं तो फिर क्या ही मोबाइल लेके बैठे रहे ना, बस एक ये थोड़ा सा रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ की गाइस, अभी ना काफ़ी टाइम हम रुक गए थे, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन, तो अभी जाने का टाइम है। वैसे हम 2-3 दिन पहले से सोच रहे थे जाने का, लेकिन अभी राजधानी का टिकट वेटिंग रह गया था, फिर इस वजह से इसमें करवाया है हमने, जो कि है दिन की गाड़ी। और ये हम मतलब कि मैं तो लाइफ में पहली बार जा रही हूँ दिन की गाड़ी में, तो देखते हैं ये वाला सफ़र कैसा रहने वाला है हमारा, और आप लोग भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तो नहीं है, लेकिन एक नाइट पूरी लग जाती है, तो इस वजह से अभी तक तो हम गए नहीं हैं ज़्यादातर, मतलब ऐसी गाड़ी में ही जाते हैं जो कि शाम को 8 बजे चले और सुबह जल्दी उतार दे। और ये गाड़ी देखते हैं, पता नहीं कैसे क्या रहेगा, न्यू गाड़ी चली है ये, तो देखते हैं। गाइस, अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब मैं बैठती हूँ उसके। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं सवाई माधोपुर, और अब यहाँ से हमें ट्रेन चेंज करनी रहेगी, जो कि एग्जैक्ट टाइम पे है हमारी। और गाइस, अभी हम हमारी जो जाएगी ट्रेन उसमें हम बैठ चुके हैं, और ये वाली जो आप देख रहे हो सामने वाली लाइन, ये जा रही है जयपुर साइड, और अभी हम जा रहे हैं कोटा वाली लाइन। और गाइस, दिन की ट्रेन है तो सोना वैसे भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि दिन में उतनी नींद वगैरह नहीं आती है। और हम पहुंच चुके हैं कोटा पे, और ये है कोटा की चंबल नदी, जो कि अभी एंट्री की है कोटा में। और गाइस, काफ़ी अच्छा सफ़र है वैसे तो ये, लेकिन ये कि हमें मतलब पूरी रात भी ऐसे ही निकल जाएगी, और जो दिन का टाइम है वो भी ट्रेन में ही निकल जाएगा, और ये ऑलमोस्ट हमें 12 o'clock या 12:30 पे हमें सूरत पहुँचाएगी, तो ये थोड़ा सा हमें लंबा हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट हम मतलब राजधानी में ही आते हैं, तो वो शाम को 8:30-9 बजे आती है और सुबह में उतार देती है, तो उसमें क्या है कि चेंज वगैरह करने का झंझट नहीं रहता है। और अभी गाइज हम पहुंच चुके हैं सूरत, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ बहुत भयंकर लगी हुई है। यहाँ से भी गाइज हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हमें पहुँचाएगी हमारे स्टेशन पर, और भीड़ तो खूब ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ से 10 मिनट बाद है हमारी गाड़ी, और फिर हम उसमें बैठ के जाएंगे। और गाइस, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, क्योंकि दिन में एक तो सो नहीं पाए, और रात में भी 12 बजे उठ जाना था, तो वैसे भी नींद नहीं आ। और गाइस, घर आने के बाद बहुत बुरी तरह थक चुके थे। ये है मतलब कि 2 दिन बाद की क्लिप, क्योंकि हम गए थे चश्मा बनवाने अयान के पापा का, तो ये थोड़ी बहुत मैंने वहाँ की क्लिप्स लिए। और गाइस, घर आने के बाद ना टाइम नहीं मिला, उस दिन रात में पहुँचे, फिर थोड़ा बहुत सोए, और उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत वही घर की सफाई वफाई, और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर आज था 3rd डे आने के बाद, तो थोड़ी सी चश्मा इनको बनवानी थी, और थोड़ा आइज़ भी इनको दिखवाना था कि नंबर वगैरह तो नहीं बढ़ गए हैं, उसी के लिए हम शॉप पे आए हुए थे। और ये थोड़ा फ्रेमिंग वगैरह देख रहे थे, फ्रेमिंग वगैरह चूज करने के बाद फाइनली हमने एक चश्मा है, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट उसका डाल दूँगी, जो हमने फाइनल किया है। और उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए थे। अभी तो हमें ग्रोसरी वगैरह की भी शॉपिंग करनी है घर पे जाने के बाद, आज अगर शायद टाइम बचेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे को ही टाइम मिल पाएगा, क्योंकि अयान के पापा जाते हैं ड्यूटी, तो वो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अभी इन लोगों का जो न्यू ऑफिस है उसका इनॉग्रेशन है, तो ये लोग थोड़ा सा उसमें बिजी है, बाकी टाइम तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है, तो देखते हैं, या तो संडे को या फिर जब भी टाइम मिलेगा जाएंगे, तो उसका भी मैं क्लिप वगैरह आप लोग शायद शेयर ज़रूर करूँगी। एंड गाइज, उसके बाद इन लोगों ने आँखें वगैरह दिखाई,
एंड गए चेक वगैरह करने के बाद चश्मा हमें मिलेगी नेक्स्ट डे जो कि एक दिन बाद, तो उसी दिन लेंगे। सारा प्रोसीजर होने के बाद फिर हम आ गए थे घर। तो गाइस आज हम जा रहे हैं डी मार्ट और आज है संडे और ये आने के बाद हमारा है फर्स्ट संडे। तो ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करनी थी क्योंकि अभी सामान सब ख़त्म हो रखे हैं, गांव चले गए थे तो लिया भी नहीं था उस टाइम पे, और फिर काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, उसी के लिए हम इधर आए हैं। देखते हैं अंदर जाके कि क्या नया है डी मार्ट में, ऑफ़र वगैरह भी अगर चल रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग पूरे व्लॉग में ज़रूर से बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और गाइस आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, देखते हैं अंदर जाने के बाद, क्योंकि आज ना मतलब हम सुबह में ही आ गए थे ऑलमोस्ट 10 o'clock के लगभग, तो देखते हैं आगे कितनी भीड़ रहेगी, अंदर कितनी नहीं रहेगी। बैग वगैरह ये लोग रख रहे हैं और थोड़ा सा स्कैनिंग वगैरह का भी रहता है, तो यहाँ से एंट्री करने के बाद देखते हैं अंदर क्या नया है क्या पुराना है, वो सारी सब चीज़ें देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और व्लॉग में तो आप बने ही रहिए और देखते भी रहिए। और यहाँ से ले लेंगे गाइस ट्रॉली, बाहर से भी ले सकते हो लेकिन अंदर ही अवेलेबल है तो क्या ही ज़रूरत है बाहर से लेने की। और अयान को रहता है कि उसको इसमें बैठना है क्योंकि वो छोटा था तब बैठ जाता था, अभी तो बड़ा हो गया है तो उतना उसको नहीं बिठाते हैं। और इधर से गाइस होल रिक्स वगैरह ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें लेके और ट्रॉली में डाल ली थी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी जो कि ऑलमोस्ट जो 1 month का हमारा रहता है वो यहीं से हम टोटली ले लेते हैं, तो मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है बाहर वगैरह जाने की। और फिर ये बेड शीट वगैरह का सेक्शन था, यहाँ पे हमें लेनी थी सिंगल बेड शीट जो कि अच्छे से थोड़ी भिज पाए, और कॉटन में हमें चाहिए थी तो उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं मुझे बेड शीट वगैरह का, और प्राइस बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैंने नहीं ली। और डेली के हिसाब से बेड शीट चाहिए थी वो मतलब उस तरीके से हमें मिली भी नहीं। और ये फ्लावर वगैरह तो आप मेरे पिछले व्लॉग में भी शायद देख चुके होंगे, अभी भी है और अभी इनकी रेट थोड़ी कम हो गई है। और ये थे गाइस कुशन कवर जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन है ना इनका जो मटेरियल है वो अच्छा था वैसे तो, लेकिन आप देख सकते हो ट्रेडिशनल अगर जैसे आप कोई थीम वगैरह रख रहे हो उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। एंड गाइस नेक्स्ट संडे मतलब हमने ये आम तोड़ रहे थे क्योंकि हमारे कॉलोनी में पेड़ लगा हुआ है, तो उसमें से डंडा मंगवा लिया था हमने किसी से और फिर ये आम तोड़ रहे थे अयान के पापा। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा यहाँ पे आम आते हैं, तो गाइज आप देख सकते हो इतने सारे आम थे और बहुत ही टेस्टी आमों का। और यहाँ के आम तो ना मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ बहुत वेराइटी के आम मिलते हैं। तो ये था गाइज मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।